देखिए पहले बैठक में शामिल होते हैं क्या? हम लोग को मुद्दा तो नहीं बताया गया है, कांग्रेस के विधायक दल की बैठक है। वैसे बैठकें तो रेगुलर होती ही है, महीने में एक बार। अब किस विशेष परिस्थिति की बैठक है, जाने के बाद बातें सामने सर, आएंगी। कल मुख्यमंत्री के हालात लिए है आए हम मिले हैं। प्रदेश में, उनको उसको देख के क्या लगता है कि इस बार कुछ सिचुएशन अलग है जो आप लोग रायपुर गए? देखिए, यह कोई 2014 के बाद नई परिस्थिति नहीं है सामने। भारतीय जनता पार्टी के विरोध की जहां भी सरकारें हैं, उन सरकारों को इतना तो सचेत और सावधान रहना ही पड़ता है। उतनी सावधानी, उतना सचेत हम सबको भी रहना पड़ रहा है। हम सब भी आपस में उतनी बात करते हैं कि भाई उनके क्या विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी है, सरकार को कैसे असंतुलित करना चाहती है, किस प्रकार से सरकार को डिस्टर्ब करना चाहती है, उन तमाम चीजें तो होते रहती देखिए है। सर, पीएम को कल ईडी का जो डेट है उसमें संभावना यह है कि वो जाएंगे और बड़ी संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आज यूपीएस की भी बैठक होनी है, आप लोग इसको किस रूप में देखते हैं? पीएम जब ईडी कार्यालय जाएंगे, आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी सर विधायक? देखिए, विधायक तो उनके समर्थन में है, यूपीए के तमाम विधायक, कि भाई गलत तरीके से राजनीति दबाव में इन्हें नोटिस दिया गया। और केवल एक नहीं, अनेकों उदाहरण पड़े हुए हैं। उसमें से कल उनको जाना है, उन्होंने कहा है कि हम कल जाएंगे। विपरीत परिस्थितियां, अगर जिस तरह से जाती हालात बने हुए हैं जनाधन, अगर विपरीत परिस्थितियां बनती है फिर क्या विकल्प रहेंगे आप लोगों के पास बताइए? हमें नहीं लगता कि ये कुछ इस पर कहना जल्दीबाजी होगा। इन सारी चीजों पर तो जब हम सबके यूपीए के नेता आदरणीय हेमंत जी हैं, हमारे विधायक दल के लीडर आलमगीर साहब हैं, और फिर जो कांग्रेस के शीर्ष के नेता, वो लोग विचार करेंगे इस प्रकार की। हमें नहीं लगता कि अभी इस पर जल्दी सोचना चाहिए कुछ। सरकार